चैनल एंड इन अनदर व्लॉग। तो कल रात में डिसाइड हुआ था कि मुझे आज जाना है और मजाले मुझे नींद आ जाए। आई स्लेप्ट एट अराउंड 2:30 और मुझे 5 बजे उठा दिया गया है और आई एम ऑल रेडी। मैं ज़ॉम्बी ना लगूँ इसलिए मैंने हल्का सा कंसीलर और ब्रश लगाया है, दैट्स इट। अभी मम्मी आई थी, शी इज़ कॉलिंग मी फॉर ब्रेकफास्ट, तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं एंड आई टेक यू गाइज अलॉन्ग विद मी, सो लेट्स गो। मम्मी क्या है ब्रेकफास्ट में? रोटी और चने की सब्जी अर्थात देसी चना घुगनी अर्थात। तो बारिश हो रही है, काफ़ी लोगों ने मुझे ये बोला है कि तुम पे कर्ली बाल अच्छे लगते हैं, बट लेट मी टेल यू बहुत ही डिफ़िकल्ट है मेंटेन करना और मेरे पास ना टाइम है और मैं हूँ एक नंबर की लेज़ी, इसीलिए मैं ब्लो ड्राई कर लेती हूँ। पर आज मैंने ब्लो ड्राई नहीं किया, मैं आज ऐसे ही अपने नेचुरल कर्ली हेयर फ्लॉन्ट करूँगी। शायद भैया आ गए हैं जो कि भौंक रही है, सो लेट्स गो। पता नहीं जाना और क्या, तो हम जा रहे हैं चाईबासा जो मेरी डैड की कर्म भूमि थी 2019 तक, और 2019 में उनकी रिटायरमेंट हुई और आज किसी कारण के वजह से कोई काम आ गया था उनको, तो उनको जाना पड़ा, तो मैंने सोचा चलो मैं भी चलती हूँ। तो मुझे अच्छे से याद है, इट वाज इन द मंथ ऑफ मई 2017, मैं और मेरी बहन दोनों घर पर नहीं थे, मैं कैलिंगपोंग में थी और मेरी बहन अलाहाबाद में थी। उस टाइम कॉल आता है कि डैड हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट विद हिज फ्यू कलीग्स जो ड्यूटी जा रहे थे, और इतनी बुरी तरह एक्सीडेंट उनका हुआ था कि अगले दिन अखबार में इनकी खबर आई थी। सो माय डैड हैड मल्टीपल फ्रैक्चर्स, तो उनके शोल्डर पे एक हुआ था और दूसरा हिप जॉइंट वो फ्रैक्चर हुआ था, और जो तीसरे डॉक्टर थे जो पीछे बैठे थे ही वॉज ऑल राइट, उन्हें एक खरोंच तक नहीं आई थी। तो दिस वॉज द स्पॉट, डैडी मुझे वो बता रहे थे। तो इतनी बुरी तरह उनका एक्सीडेंट हुआ था, सो द वन हु वाज ड्राइविंग स्टेयरिंग उनके रिब्स पर जाकर लगी थी और उनका रिब्स टूट गया था, हिज नी कैप वाज स्मैश्ड, डैडी के चेहरे पर कांच टूटे थे, जो कांच वो आकर लगे थे। एक्सीडेंट्स ना बहुत जल्दी ऐसे इन द ब्लिंक ऑफ एन आई होते हैं, तो संभलने का मौका ही नहीं लगता। तो यही बात हुई, सामने से ट्रक वाले ने मारा इन्हें और गाड़ी पूरी 360 घूम गई, विंडशील्ड टूटा, साइड वाले मिरर्स टूटे, लेकिन वी आर रियली ग्रेटफुल टू गॉड कि उन्होंने हर एक, जितने डॉक्टर्स थे तीनों, इन तीनों की जान बचाई। और क्योंकि ये जो जगह है वो बनगांव पड़ता है, तो पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास था, तो वहाँ खबर गई, वहाँ से पुलिस आई और फिर तुरंत फर्स्ट एड वगैरह के बाद इन्हें तुरंत रांची रिम्स रेफ़र किया गया। लेकिन रिम्स वाले, तो मैं तो किसी से नहीं कहूँगी कि आप रिम्स जाकर अपना ट्रीटमेंट कराना, क्योंकि डॉक्टर्स होते हुए भी इन तीनों को अटेंड नहीं किया जा रहा था, ये तीनों फर्श पर पड़े थे, बेड नहीं दिया जा रहा था। आई गेस मॉम जब हॉस्पिटल पहुँची तब जा कर के जो डैडी के जितने भी बैचमेट्स हैं वो आए थे, तो उनके कहने पर फिर जल्दी से इन्हें बेड दिया गया, तब जाकर इनकी जो ट्रीटमेंट है वो शुरू हुई। तो रिम्स के बारे में ना ऐसी खबरें छपते रहती है अखबारों में और मैंने पढ़ा है, लेकिन जब तक वो आपके साथ ना हो, आप बीती ना हो ना, तो पता ही नहीं लगता कि सचमुच में ऐसी चीज़ें हॉस्पिटल में होती हैं। तो मम्मी जैसे बताती हैं कि बहुत ही भयानक स्थिति थी, तो मैं थी यूथ कैंप में और नेटवर्क कैलिंगपोंग में था नहीं, तो दी का फ़ोन आया एक भैया को जो हमारे साथ थे, तो बात हुई तो उसने बताया, तो मुझे तब भी ध्यान नहीं गया, मुझे लगा शायद उसने कोई सपना देखा होगा। फिर जब बाद में प्रेयर शुरू हुई तो तब मुझे हिट किया कि ओ ये तो एक्सीडेंट हो चुका है, एंड इट वाज अ रियली डिफ़िकल्ट टाइम फॉर आवर फैमिली,
वी वर कम्प्लीटली शैटर्ड कि ऐसे कैसे हो गया। इससे और बुरी तरह से इनका एक्सीडेंट हो सकता था क्योंकि घाटी पड़ता है, तो घाटी में एक्सीडेंट ना होके ये नॉर्मल जो टर्न्स में होते हैं ना, मतलब नॉर्मल रोड में इनका एक्सीडेंट हुआ और ऊपर वाले ने हर एक की जान बचाई। एंड नाउ एवरी वन इज़ हेल्दी एंड वर्किंग इन देयर ओन रिस्पेक्टिव प्लेसेस। पूरे रास्ते यहाँ मशरूम लोग बेच रहे हैं रोड के किनारे, एंड वी हैव स्टॉप बाय समवेयर इन द मिडल ऑफ द जंगल और मशरूम लेने गए हैं डैडी। तो ये ले लिया हमने मशरूम, ये पड़ा है हमें 250 का, विच इज़ एक्सपेंसिव। हमने डैडी को कर दिया है ड्रॉप, अब हम जा रहे हैं कार पार्क करने। अब पार्क करने के बाद हम एक घंटे क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर देखते हैं क्या कर सकते हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, दिस इज़ वेरी नाइस। So the reason I came here was to visit this nursery, which is Ma Durga Nursery. तो यहाँ ना आपको international plants और बहुत different type के plants देखने को मिलेंगे। इसमें क्या 12 महीना फलता रहेगा, 12 महीने इसको गमला जमीन कहीं भी लगाएगी। चेरी ले सकते हैं, ये तो लाल बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है ना, केक में डालता है ना, केक में डालता है, बहुत लोग पपीता को डालता है रंग के रंग करके होता है। चेरी है, चेरी ओरिजिनल वाला चेरी तो महंगा होता है। काफ़ी वैरायटी के मैंगोज़ आपको यहाँ मिल जाएंगे, जैसे हमने जो पसंद किया था वो था ये बनाना मैंगो जो आपने अभी देखा, और अभी कोई और प्लांट्स भी हम देख लेते हैं जो पसंद आए। वैसे भी हमने चेरी देखा है। तो दीज आर द प्लांट्स दैट वी हैव बॉट। ये रहे कुछ सेकुलेंट। A few moments later. मुकबांग करिए, मुकबांग करिए। So this is what I'm having for my lunch. Idli. बोल मछली वाला।
मुझे डीसी ऑफिस का लैंडस्केप काफ़ी अच्छा लगा, तो हम जा रहे हैं एक टूर लेने। ट्रेजरी उधर है, ट्रेजरी किधर? पीछे दो। So while returning, we decided to stop by and get a few pictures clicked. तो 2020 में चर्च इनॉग्रेशन के टाइम जब हम यहाँ आए थे, तब भी हमने काफ़ी ढेर सारे पिक्चर्स यहाँ क्लिक कराई थी और बहुत सुंदर पिक्चर्स आते हैं इस जगह से। बारिश के कुछ आसार नज़र नहीं आ रहे थे, मौसम बिल्कुल साफ था, बट देन इट स्टार्टेड रेनिंग एंड वी वर लाइक, ये अचानक से बारिश कैसे हो रही है? So yeah, that's it for this video. Make sure to like this video, share it with your friends and subscribe to my channel if you haven't already. And I will see you in the next one. Until then, take care and stay safe. Bye bye.